जय श्री काल भैरव। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से और अंत में कुछ मंत्र बताऊंगा, और इसका जो टाइटल है वो मानसिक शांति है। बहुत सारे लोग अपने मन के विकारों में ग्रसित होके जीवन पर्यंत भटकते रहते हैं, लेकिन सत्यता को जो गुरु प्रकट करता है उसको नहीं स्वीकार कर पाते हैं। आज की ऐसी परिस्थिति में यहाँ सभी लोग शांत अनुभव करते हैं, एकदम व्यग्रता अनुभव होती है, न चैन है न आराम है, यहाँ तक कि भोजन करने में भी उनको भोजन का आनंद नहीं है। इसी पर एक छोटी सी कथा है, वो आपके सामने रखूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस बात को, इस कथा के माध्यम से क्या बताया जाना चाह रहा है। एक राजा था, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाए, ठीक समय पे हो जाए, जैसा उसने सोचा है वैसा हो जाए, उसके लिए बहुत प्रयत्न करते। इसके लिए उसने हर साधन जुटा रखे थे, जो जो उस समय के उपलब्ध थे जुटा रखे थे, लेकिन उसकी जो भी बात होती थी उसको उस तरीके से उस समय पे करने में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती थी, जिसकी वजह से बहुत मानसिक शांत रहता था, क्रोधी हो जाता। एक बार उसके यहाँ एक साधु आया, और साधु भी ज्ञानी था, तपस्वी था। उसने राजा की अशांति का कारण पूछा। राजा ने जो भी कारण था उसको बताया। साधु ने कहा कि इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें एक सेवक देता हूं जो तुम्हारे सभी कार्य जिस तरीके से तुम चाहते हो उस तरीके से और उसी तरीके से उसी समय पर करेगा जैसे तुम चाहते हो। साधु ने तांत्रिक में अपने उपबल से, अपनी साधना के बल से एक यक्ष को प्रकट किया। उस यक्ष को आज्ञा दी कि यह राजा जो भी तुम्हें कार्य करेगा उसी समय उस कार्य को उसी रूप से पूर्ण करना होगा जैसे यह राजा आदेश करेगा। यक्ष ने बड़े विनम्रता से इस निवेदन को स्वीकार किया और महाराज से कहा कि मैं आपकी आज्ञा अनुसार सभी कार्य तत्काल पूर्ण करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है जो आपको माननी होगी। यहाँ पे सभी तंत्र से संबंधित साधकों के लिए एक सीख है कि कोई भी आप साधना सिद्ध करना चाहेंगे तो होता यह है कि हम सिद्धि के लिए भागते हैं, साधना के लिए भागते हैं, वो उल्टा जाता है, हम स्वयं सिद्ध हो जाते हैं उसके द्वारा, उसकी उंगलियों पर नाचने लगते हैं। तो यक्ष ने अपनी शर्त रखी महाराज के सामने कि आप जो काम कहेंगे मैं तुरंत करूंगा, लेकिन मैं कभी भी शांत नहीं बैठ सकता हूं, और अगर आपने मुझे कोई काम नहीं दिया तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो राजा ने सोचा कि इसमें कठिनाई वाली तो कोई बात नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा राज्य है, हजारों काम है, मैं इसको काम देता रहूंगा। महाराज ने वचन दे दिया, सेवक ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। राजा जो भी आज्ञा देता यज्ञ कर देता, जो भी वस्तु मंगाता तुरंत आ जाती, भोजन से संबंधित, राजपाट से संबंधित जो भी कार्य उसको दिया गया वो त्वरित गति से पूर्ण होने लगा। अब जब सारे कार्य त्वरित गति से होने लगे उसको एक अशांति फिर घेरने लगी, अगर मैंने इसे कोई कार्य नहीं दिया तो मुझे तुरंत खा जाएगा। बार बार उसको मरने का डर होने लगा, और जो पुराना जो भय था, पुरानी जो अशांति थी, उसकी कई गुना अशांति उसको अब महसूस होने लगी। बहुत ज्यादा पीड़ित होने लगा, अशांत होने लगा। पहले तो क्रोध करता था, अब तो क्रोध भी नहीं कर सकता है, डरा सहमा सा। उस समय बाद साधु वापस आए, कुशल क्षेम पूछा। तो राजा ने कहा कि साधु महाराज मुझे इस चीज से मुक्ति दिलाइए। साधु ने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तो जो तांत्रिक हैं वो ऐसे ही नहीं तांत्रिक होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। जो वास्तविक तांत्रिक होते हैं उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, इसीलिए सभी शक्तियों को अपने कंट्रोल में करके चलते हैं। जितनी भी शक्तियां, जितनी भी उग्र शक्तियां हैं,
जितनी भी चालाक शैतानी शक्तियां हैं उनसे कई गुना तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि की चालाकी चाहिए होती है उन शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए। राजा ने राजा को उस महाराज को उस साधु ने कहा कि आप एक सीढ़ी बनवाओ और जब कोई काम आपके पास ना हो तो इस यक्ष से कहो कि इस सीढ़ी पे ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, यह काम तुम्हारा होगा। और अपने दो सेवक वहां लगा दो कि अगर ये ऊपर नीचे करने में आलस्य करे तो उसको दंड भी दो, इससे यक्ष कभी चुप नहीं बैठेगा। राजा प्रसन्न हो गया, महाराजा प्रसन्न हो गया और साधु को धन्यवाद दिया इस उपाय के लिए। इस छोटी सी कहानी से हमको एक बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो मन है उस मन को आप कुछ भी दे दें वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे पीड़ित जरूर हो जाए। इस महाराजा को देखें, उसे मन रूपी यक्ष सेवक प्राप्त होता है किंतु कभी शांत नहीं बैठता है। अपनी शर्त के अनुसार काम ना होने पर मनुष्य को खाने लगता है। अपने साथ भी ऐसा करें, एक सीढ़ी बनाए, मंत्र जप की सीढ़ी बनाए, अपने सांसारिक जीवन में जो भी काम हो पूरा करें। संसार में रह रहे हैं तो सांसारिक कर्म अवश्य करने पड़ेंगे, संसार में रहते हैं अपने सारे सांसारिक कर्म करें, और जब आपके पास कर्म ना हो, मन आपका सांसारिक कर्म लगा है ना, जब आपके पास कर्म ना हो यक्ष रूपी मन को एक सीढ़ी दे दे मंत्र की और उससे कहें कि इससे ऊपर और नीचे चढ़ो। एक छोटा सा संबंध है मन का मस्तिष्क के साथ, चिंता अशांति के कारण जो आपके मस्तिष्क में ऊष्मा बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, उसी से अनिद्रा रोग अशांति आदि बढ़ जाते हैं। मस्तिष्क और मन को अमृत से सींचने के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप अचूक उपाय है। बेचैनी अशांति के समय जैसी भी रुचि हो मंत्र का जप करें। और मेरे अपने अनुभव में जितने भी साधकों को मैं सुझाव देता हूँ उनको कहता हूँ कि मंत्र जप के माध्यम से अनुलोम विलोम करो, और उसमें जो एक मुख्य मंत्र है ओम जूम सह सह जूम ओम, यानी कि ओम जूम सह सह जूम ओम, तो ये अलट पलट हो गया आगे और पीछे, और इसी को ही अपने सांसों के माध्यम से अपनी प्राणवायु के माध्यम से जपेंगे। अगर नहीं वैसे समय है, वैसी परिस्थिति नहीं है, तो कम से कम अंदर ही अंदर इस मंत्र पे ऊपर नीचे चढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका मंत्र बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करते जाएं, क्योंकि मन की आदत है कि एक किसी भी चीज को ज्यादा प्रयोग करने से थक जाता है, बोर हो जाता है, उसकी सीढ़ी बदल दें, दूसरा मंत्र कर लें ओम हौम जूम सह सह जूम हौम ओम, और इस प्रकार से धीरे 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 इन मंत्रों के माध्यम से भीतर भीतर कहीं ना कहीं जो दबे हुए बीज हैं अंकुर फूटना शुरू हो जाएंगे। ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, भीतर कलियां चटकना शुरू होंगी, पुष्प खिलना शुरू हो जाएंगे, और भीतर और बाहर पूरी बगिया सुगंधित हो जाएगी। आशा करता हूं आप इस छोटी सी कथा से और मेरे द्वारा बताए हुए मंत्रों की सीढ़ी पे अपने मन को व्यस्त रखेंगे जब आपके पास कोई काम ना हो। अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छे गुरुओं के विचार सुनेंगे,
उनको आत्मसात करेंगे, जीवन में सकारात्मकता बढ़ाएंगे, और कभी भी आपको मेरी आवश्यकता हो, मेरे सुझाव की आवश्यकता हो, मुझसे कुछ भी बात कहनी हो, अपना मार्गदर्शक समझ के, अपना गुरु समझ के मुझसे दिए नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों के साथ साझा करें, ताकि उनको भी इस मन से मुक्त होके, मन जो अशांति फैलाता है उससे मुक्ति का एक रास्ता मिले, उनके जीवन में भी पुष्प खिलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, और इस कथा के माध्यम से जो भी आपको ज्ञान मिला है वो दूसरों को भी बताएं। जय श्री काल भैरव। सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके, अगर आप अपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। टू टॉक टू गुरुदेव जी, ओपन गूगल प्ले स्टोर नाउ, सर्च कॉल मी फॉर एप्लीकेशन एंड डाउनलोड इट नाउ, रजिस्टर योर प्रोफाइल एंड रिचार्ज इट नाउ, सर्च फॉर श्री तारामणि जी एंड डायरेक्टली टॉक टू गुरुदेव जी एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम।